एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट से ही रिलेटेड है, और इसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था टेपेटम के बारे में। तो टेपेटम के बारे में आप अच्छे से समझ लें, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की, और इसको इनर मोस्ट लेयर बोला जाता है, और जनरली ये न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रैंस को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और बहुत सारे रॉ मटेरियल टेपेटम ही सिंथेसाइज करता है पॉलन ग्रैन के लिए। ओवरऑल जितना भी डेवलपमेंट पॉलन ग्रैन के लिए होना है, या पॉलन ग्रैन जितना भी डेवलपमेंट करता है उसके लिए ऑल द रॉ मटेरियल्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेपेटम। तो टेपेटम के बारे में जनरल मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि ये फोर्थ लेयर है टेपेटम। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो टेपेटम है इट इज यूनिसीरिएट, इट इज यूनिसीरिएट, और यूनिसीरिएट का मीन होता है, मीनिंग होता है कि वन सेल लेयर थिक। क्लियर? इसके बाद इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है ये? इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। टेपेटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल। क्लियर? इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिटिव लेयर। न्यूट्रिटिव लेयर इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर्स और या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इज इट क्लियर? इसके बाद फिर मैंने बताया था आपको कि जो टेपेटम है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड इट्स सेल्स आर पॉलीप्लॉयड। मीन्स यहाँ पर कुछ वर्कर्स ये कहते हैं कि जो टेपेटम है वो बाई न्यूक्लिएट टू मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स डिवाइड करते हैं लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है, तो वहां पर डीएनए का अमाउंट्स डबल ट्रिपल क्वार्टर टाइम बढ़ता चला जाता है, इसको हम एंडोमाइटोसिस भी बोल देते हैं। तो टेपेटम जो जनरली है, टेपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों हो जाता है ये? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस की एब्सेंट होने की वजह से वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, न्यूक्लियर कंटेंट्स डिवाइड करते चले जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स के लिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए इवन, मींस ऑल दीज रॉ मटेरियल लाइक दैट ऑफ वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई द टेपेटम। इसके बाद में कुछ जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उन फ्लावर के लिए भी येलो इस विस्कस मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है उसको टेपेटम ही करता है, और इसको हम पॉलन किट बोलते हैं। क्लियर? तो जो पॉलन किट है इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर्स। इज इट क्लियर? तो ये आप यहाँ पे बातें इसके बारे में नोट कर सकते हैं। अब एक और बात है कि इन दीज सेल्स यूविस्क बॉडीज आर प्रेजेंट,
इन दीज सेल्स स्फेरिकल बॉडी स्फेरिकल बॉडीज आर प्रेजेंट कॉल्ड यूविस्क बॉडीज कॉल्ड यूविस्क बॉडीज वेयर यूविस्क इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दीज बॉडीज फर्स्ट टाइम. इज इट क्लियर? अब ये जो यूविस्क बॉडीज हैं विच हेल्प्स इन द ऑर्नामेंटेशन ऑफ माइक्रोस्पोर वॉल स्पेशली एक्साइम विच हेल्प्स इन द यूविस्क बॉडी क्या काम करती हैं? विच हेल्प्स इन द ऑर्नामेंटेशन ऑर्नामेंटेशन ऑफ ऑर्नामेंटेशन ऑफ माइक्रोस्पोर वॉल ऑर्नामेंटेशन ऑफ माइक्रोस्पोर वॉल. क्लियर? और माइक्रोस्पोर वॉल में भी स्पेशली क्या? एग्जाइम. स्पेशली क्या? एग्जाइम. ए कंपाउंड कॉल्ड एज स्पोरोपोलिनिन इज सीक्रेटेड बाय द यूविस्क बॉडी. ए कंपाउंड कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन जो कि एक फैटी सब्सटेंस है. क्या है स्पोरोपोलिनिन? एक फैटी सब्सटेंस है ये स्पोरोपोलिनिन. इज सिंथेसाइज्ड बाय यूविस्क बॉडीज. क्लियर? ए कंपाउंड कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय यूविस्क बॉडीज विच इज डिपोजिटेड इन द एग्जाइन ऑफ माइक्रोस्पोर वॉल which is deposited in the exine outermost layer of pollen grain, the outermost covering of pollen grain in the exine of microspore wall, that is pollen wall. Is it clear? ठीक है. इसके बाद में एक यहां पे आप चाहे तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप कि स्पोरोपोलिनिन इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ऑल बायोलॉजिकल वर्ल्ड. एक स्टार लगा के आप पॉइंट लिख सकते हैं कि स्पोरोपोलिनिन इज द हार्डेस्ट मटेरियल of all biological world. Sporopollenin, a fatty substance, is the hardest material of hardest material of all biological world. It is responsible for the formation of formation of exine of pollen grain
एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स दैट इज माइक्रोस्पोर्स. क्लियर? स्पोरोपोलिनिन हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मेटेरियल है एंड इट इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कलीज एंड अदर सबस्टेंसेस. नो एंजाइम कैन ब्रेक इट. इट इज रेजिस्टेंट टू एसिड्स, एल्कलीज, एल्कलीज एंड एंजाइम्स. नो एंजाइम कैन ब्रेक. ठीक है, नो एंजाइम कैन ब्रेक इट टिल नाउ मीन्स अब तक कोई भी एंजाइम इसको तोड़ नहीं पाया है. और इसी की वजह से एक बात और आप याद रख सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स आर फॉसिलाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. क्लियर? एक पॉइंट और आप यहां पे लिख सकते हैं, पोलन ग्रेन्स आर फॉसिलाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन मीन्स पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन है वो स्पोरोपोलिनिन से मिलकर के बनती है. इज इट क्लियर? ठीक है, कुछ वर्कर्स स्पोरोपोलिनिन्स को ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं. स्पोरोपोलिनिन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीनॉइड्स. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीनॉइड्स बोला जाता है. और इसको यूविस्क बॉडीज बनाती हैं और यूविस्क बॉडीज जनरली एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो टैपेटल सेल के लेटर लाइफ में उसके इनर फेज में डेवलप होती है. इज इट क्लियर? इसके बाद में स्पेशली कैलेज एंजाइम है वो भी यही सिंथेसाइज करता है. एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जो टैपेटम है ये दो टाइप का हम पढ़ते हैं, एक अमीबॉय टैपेटम, एक सीक्रेटरी टैपेटम. तो सीक्रेटरी टैपेटम सीक्रेट्स, एक और यहां पे लिख सकते हैं आप, चलो बाद में ये मेंशन कर लेंगे. इज इट क्लियर? अब इसके बाद में और यहां पे यदि मैं बात को करूं तो अब नेक्स्ट आप हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ टैपेटम. देर आर टू टाइप्स ऑफ टैपेटम. वन इज अमीबॉयड टैपेटम. ऑल्सो नोन एज इन्वेसिव टैपेटम, क्योंकि इस टाइप का जो टैपेटम है वो स्प्रेड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है एंड क्विकली ये क्या है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है. मीन्स ज्यादा टाइम तक ये सर्वाइव ही नहीं करता है, जल्दी इसका कंजप्शन हो जाता है. क्लियर? ऑल्सो नोन एज पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम भी इसको बोलते हैं. पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब इसकी इनर और रेडियल वॉल डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं एंड फॉर्मिंग ए फ्यूज्ड मास ऑफ द प्रोटोप्लास्ट नोन एज पेरीप्लाज्मोडियम. क्लियर? तो इसी को हम पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम भी बोलते हैं और इन्वेजिव टैपेटम भी बोलते हैं. इन्वेजिव टैपेटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्प्रेड वेरी क्विकली. क्लियर? एंड इजिली डिसऑर्गेनाइज्ड और
प्लाज्मोडियल टैपेटम भी इसी को ही बोलते हैं, और ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का टैपेटम है। और दूसरा आप यहां पे लिख सकते हैं सीक्रेटरी टैपेटम, सीक्रेटरी या फिर ग्लैंडुलर टैपेटम। क्लियर? तो सीधा सा कंसेप्ट है कि यदि कोई भी सेल टिश्यू ऑर्गन यदि वो सीक्रेटरी इन नेचर है तो वो ग्लैंडुलर पक्का होगा। इज इट क्लियर? तो वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए अमीबॉइड टैपेटम। अमीबॉइड टैपेटम के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ टैपेटम। इट इज अमीबॉइड टैपेटम में अमीबॉइड टैपेटम में आप लिख सकते हैं इट इज मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ टैपेटम। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ टैपेटम एट द टाइम ऑफ पॉलन फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ पॉलन फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ पॉलन फॉर्मेशन द इनर एंड द इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ टैपेटम, रेडियल वॉल ऑफ टैपेटम डिसऑर्गेनाइज्ड, रेडियल इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ टैपेटम डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्मिंग ए फ्यूज्ड मास ऑफ, फॉर्मिंग ए फ्यूज्ड मास ऑफ, फॉर्मिंग ए फ्यूज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट नॉन एस, फॉर्मिंग ए फ्यूज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट नॉन एस पेरीप्लाज्मोडियल या पेरीप्लाज्मोडियम, फॉर्मिंग ए फ्यूज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट नॉन एज पेरीप्लाज्मोडियम। दिस पेरीप्लाज्मोडियम इज डिफ्यूज्ड इन टू द कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। दिस पेरीप्लाज्मोडियम इज डिफ्यूज्ड इनटू द कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया एंड आफ्टर दैट माइक्रोस्पोर्स इंजॉय द नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाई डिसऑर्गेनाइज्ड टैपेटम। आफ्टर दैट द माइक्रोस्पोर्स एंजॉयज द नरिशमेंट, एंजॉय द नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाई डिसऑर्गेनाइज्ड, प्रोवाइडेड बाई डिसऑर्गेनाइज्ड टैपेटम। इज इट क्लियर? सेकेंड डाल सकते हैं आप सीक्रेटरी टैपेटम, सेकेंड आप डाल सकते हैं, हेडिंग डाल दें सीक्रेटरी टैपेटम, दैट इज ऑल्सो नॉन एज ग्लैंडुलर टैपेटम।
और इस टेपेटम के बारे में, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड एडवांस टाइप ऑफ टेपेटम, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड एडवांस टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन एंड एडवांस टाइप ऑफ टेपेटम, एडवांस टाइप ऑफ टेपेटम, इट रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, इट रिमेन इंटैक्ट मीन्स ज्यों का त्यों ही ये बना रहता है, इट रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, it remain intact throughout the development of pollen grain, it absorbing nutrition from it absorbing nutrition from the middle layer and secrete into the cavity of microsporangia प्लूरल टर्म है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। मींस आप ये समझ सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल है और वॉल में भी स्पेशली जो मिडिल लेयर है वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती है, सबसे पहले वो वहां से हटती है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, और इस मिडिल लेयर को मेनली जो सीक्रेटरी टैपेटम है वो इसको ब्रेक करता है, क्लियर। कौन ब्रेक करता है? सीक्रेटरी टैपेटम, क्लियर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब यहां पर जो ग्लैंडुलर टैपेटम है, ग्लैंडुलर टैपेटम बड़ा स्पेसिफिक टैपेटम है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ यूबिस्क बॉडी इज द मोनोपोली ऑफ ग्लैंडुलर टैपेटम, एक स्टार लगा के यहां पे लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ यूविस्क बॉडीज, प्रेजेंस ऑफ यूविस्क बॉडीज इज द मोनोपोली ऑफ ग्लैंडुलर टैपेटम, ऑफ ग्लैंडुलर टैपेटम, इज इट क्लियर। यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो यूविस्क बॉडी है, मैंने अभी आपको बताई थी कि टैपेटम के अंदर यूविस्क बॉडीज इसकी लेटर लाइफ में डेवलप होती हैं, और ये यूविस्क बॉडीज ओनली सिंथेसाइज बाय द ग्लैंडुलर टैपेटम, तो तभी इसको क्या बोला जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ यूविस्क बॉडीज इज द मोनोपोली। मोनोपोली का मीनिंग है करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? ग्लैंडुलर टैपेटम का। इसका मतलब अमीबॉइड टैपेटम यूविस्क बॉडीज सिंथेसाइज नहीं करता है, और यूविस्क बॉडीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आर मेड अप ऑफ ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीनॉइड्स नॉन एज स्पोरोपोलिनिन, इज इट क्लियर। इसके बाद में इस टैपेटम का एक करेक्टरिस्टिक फीचर और है कि ये टैपेटम एक एंजाइम रिलीज करता है, सिंथेसाइज करता है, दैट इज कैलेज एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कैलो सुगर प्रेजेंट इन द टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन। तो एक बात और आप यहां पे अच्छे से नोट कर लीजिए कि
ग्लैंडुलर टैपेटम, ग्लैंडुलर टैपेटम सीक्रेट, सीक्रेट कैलेज, सीक्रेट कैलेज एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कैलोज, फॉर द डाइजेशन ऑफ कैलोज। और कैलोज क्या है? एक सुगर है। कैलोज, कैलोज क्या है? एक सुगर है, और इसको हम बीटा 1,3 ग्लूकन बोलते हैं। कैलोज को क्या बोलते हैं? बीटा 1,3, बीटा 1,3 ग्लूकन। क्लियर? और इसका जो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन द टेट्राड ऑफ पॉलन ग्रेन्स, प्रेजेंट इन द टेट्राड ऑफ पॉलन ग्रेन, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो पॉलन ग्रेन का टेट्राड बनता है, और उस टेट्राड में चार पॉलन ग्रेन ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो जो ज्वाइनिंग होती है वो कैलोज सुगर की वजह से होती है। लेकिन आफ्टर लेटर लाइफ दिस एंजाइम ब्रेक दैट सुगर एंड फाइनली ऑल द पॉलन ग्रेन ऑफ ए टेट्राड आर रिमेन्स फ्री। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप ये आपका जो टैपेटम है ये हो जाता है। और इवन आप स्पेशली इसके फंक्शन आप लिखना चाहें तो अपने आप भी इसके फंक्शन आप बना सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही। क्लियर? यदि आप कहें तो दो तीन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, और इवन डिस्क्रिप्शन ही मैंने आपको अच्छे से करा दिया है, उसी से ही आप फंक्शन निकाल सकते हैं टैपेटम के। क्लियर? तो पहला तो आप यही एक कॉमन फंक्शन लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर्स। सबसे पहला तो आप यही लिख सकते हैं। फंक्शन की बात करें तो नंबर वन फंक्शन तो आप लिख सकते हैं ये कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग, टू द डेवलपिंग एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको क्या बोल देते हैं? पॉलन मदर सेल। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर्स, एंड माइक्रोस्पोर्स दैट इज पॉलन ग्रेन्स। इज इट क्लियर? दूसरा फंक्शन आप लिख सकते हैं कि टैपेटम सिंथेसाइज्ड स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और ये एक फैटी सबस्टांस है, और इसका बड़ा रोल है एक्जाइन फॉर्मेशन में, और ये हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है। कोई भी एसिड, कोई भी एल्कली या कोई भी एंजाइम आज तक इसको ब्रेकअप नहीं कर पाया है। इसी की वजह से हमको जो पोलन ग्रेन है वो इजिली इंटैक्ट मिल जाते हैं, फॉसिल फॉर्म में अच्छे तरीके से हमें मिल जाते हैं इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से। क्लियर? तीसरा हम एक बात और लिख सकते हैं कि कैपेटम ऑल्सो सिंथेसाइज्ड कैलेज एंजाइम। क्लियर? और कैलेज एंजाइम का काम क्या है? कैलोज सुगर को ब्रेकअप करना। और कैलोज सुगर कहाँ डिपॉजिट होती है? कैलोज सुगर स्पेशली डिपॉजिट होती है कहाँ पे? पॉलन
पोलन ग्रहण के टेट्राड पर, मी चारों पोलन ग्रहण इसी की वजह से ज्वाइन रहते हैं और कैलेज एंजाइम इसको ब्रेकअप करता है। इसके बाद में टेपेटम ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मेटेरियल फॉर पोलन किट। टेपेटम ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मेटेरियल फॉर पोलन किट, और पोलन किट एक येलोइश विस्कस मटेरियल है जो पोलन ग्रेन के अराउंड डिपॉजिट रहता है, और स्पेशली इट इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटोमोफिलस। ठीक है, एंटोमोफिलस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है उनके अंदर पोलन किट, उनके ऊपर पोलन किट मिलती है, और उस पोलन किट के लिए जो भी रॉ मटेरियल है चाहे वो कैरोटीनॉइड्स है या और कुछ है, सबको सिंथेसाइज कौन करता है? टेपेटम करता है। तो इस तरीके से आप टेपेटम के फंक्शन आप बना सकते हैं। मतलब सीधा सा क्लियर सा कंसेप्ट है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को, माइक्रोस्पोर्स को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द टेपेटम। और टेपेटम में जो मोस्ट एडवांस टेपेटम है जो थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन बिल्कुल बना रहता है, डिसऑर्गेनाइज नहीं होता है, वो कौन सा है? ग्लैंडुलर टेपेटम है, सीक्रेटरी टेपेटम है। तो इस तरीके से टेपेटम का पूरा डिस्क्रिप्शन आपसे हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आगे आपको डिस्कस कराना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आपको मुझे कराना है। इवन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को मैं आपको पीछे ही जनरल मैंने आउटलाइन आपको दे दी है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन, एक ही बात है, सेम थिंग। माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना भी आपसे बन जाए वो आप करें, क्योंकि आप जब करते हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा लेक्चर दूँ। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।